जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉम्बे में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे यूज़ किया और यूज़ कर रहा है ताकि मैं एक एक वचन आप तक पहुंचा सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 12वां वचन। वचन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू महान है, तो जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तेरे वचन, तेरी शिक्षा अद्भुत है, निराली है, और परमेश्वर तेरी शिक्षा हमें बुद्धि देती है, ज्ञान देती है और शक्ति देती है। दोस्तों, ये वचन क्या बताता है? ये वचन हमें बताता है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर इसलिए भेजा ताकि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें, उस बुद्धि को प्राप्त करें, परमेश्वर की योजनाओं को प्राप्त करें और हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। वो विश्वास जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो विश्वास जो पत्थर को रोटी बनाता है, वो विश्वास जो पत्थर में से पानी निकालता है, वो विश्वास हमारे अंदर है और वो विश्वास परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा जिंदा रहे। हालेलुया, वो चाहता है। और उसी विश्वास के द्वारा हमें अपने अधिकार को लेना है, और हमें अपने अधिकार को सिर्फ लेना ही नहीं है, हमें अपने अधिकार को छीनना है। हमें स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना है क्योंकि स्वर्ग हमारा है। दोस्तों, याद करिए उस औरत को जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उस औरत ने अपना सब कुछ गंवा दिया, वो औरत हर वैद्य के पास गई, हर डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। 12 साल से उसका लगातार लहू बह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जाना यीशु मसीह के बारे में, जैसे उसने अपने अधिकार के बारे में जाना, जैसे ही उसने जाना कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है, और जैसे ही उसने जाना, जैसे उसने मनन किया, जैसे उसने अहद किया, जैसे उसने वाचा बांधी कि मैं अगर परमेश्वर में अगर यीशु के छोर को, वस्त्र को छू लूंगी तो आशीष पाऊंगी, और बलपूर्वक उसने आशीष पाया, उसने आशीष छीना, उसने अधिकार लिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि किसने आशीष पाया है? क्योंकि मेरी सामर्थ निकली है। हालेलुया, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है, तो परमेश्वर के सामर्थ को हम ले सकते हैं, पर अपनी आशीषों को हम ले सकते हैं जो परमेश्वर हमें दे चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है आशीषों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है सुख के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी महिमा को गाने के लिए। इसलिए हम उस आशीष को ले सकते हैं, क्योंकि वो आशीष सिर्फ हमारी है। कल जो आने वाला है हमारा है, भविष्य हमारा है, सुख हमारा है, शांति हमारी है। हालेलुया, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, और उस विश्वास के द्वारा हमें इस धरती पर चलना है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि स्वर्ग हमारा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। शैतान हमें डरा नहीं सकता कि स्वर्ग हमारा नहीं है, शैतान हमें डरा नहीं सकता कि हमने पाप किया है, शैतान हमें डरा नहीं सकता कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। नहीं, हम परमेश्वर के योग्य हैं, क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हुआ। आइए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में हमें चला के चल, ताकि हम स्तुति करते हुए परमेश्वर की अगुवाई में बने रहे। हालेलुया, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, आमेन, आमेन, आमेन।